हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे, राइट? सो दोस्तों, आज हम लोग मिले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड डिस्कस करने के लिए, जो है एसे नंबर 540। सो दोस्तों, क्या आप लोग तैयार हैं इस ऑसम स्टैंडर्ड को पढ़ने के लिए? चलिए, लेट्स रॉक विथ एसे नंबर 540। सो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं एसे नंबर 540। तो क्या कहता है एसे नंबर 540, ध्यान से पढ़िएगा। एकदम हेडिंग अगर आपको समझ में आ गया ना एसे नंबर 540 का, मैं बता रहा हूं आपको, आपको इसके अलावा मतलब हेडिंग पढ़ लिया आपको स्टैंडर्ड एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, मतलब कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है इसके अलावा आपको। सो फर्स्ट क्या बोलता है यहाँ पे, ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। क्या करना है अपने को, व्हाट वी नीड टू डू इज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू डू व्हाट इज ऑडिटिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। आप समझने की कोशिश कीजिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर व्हाट वी आर स्टडिंग अंडर एसे नंबर 540 इज वी वांट टू डू व्हाट, ऑडिटिंग, ऑडिटिंग ऑफ व्हाट, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। अब पहले तो आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम इसका एक बेसिक थीम डिस्कस करेंगे, and once you get hold of that theme na aapko ye pura standard bahut aasan lagega, so everybody needs to concentrate now. So when we talk about accounting estimates, so aap samajhne ki koshish kijiye, whenever we prepare financial statements, correct hai na, there are certain things which are disclosed in the financial statements, there are certain things which are presented in the financial statements which is based on what, some kind of an estimate। आप समझो बात को, एस्टिमेट मतलब क्या कहते हैं हम लोग, कि इट इज बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ एन क्या बोलते हैं, मतलब अनुमान के हिसाब से हम लोग उसको अपना एक अंदाजा लगाते हैं और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वी प्रेजेंट इट। सो गाइस, फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट इज लेट अस से बैड डेट्स, बैड डेट्स से अच्छा अपन अगर कहे इसको तो डाउटफुल डेट्स। आप समझने की कोशिश कीजिए, व्हेन वी रिकॉर्ड डाउटफुल डेट्स, व्हाट इज डाउटफुल डेट्स, मतलब द डेटर्स विच मे टर्न बैड, विच मे टर्न बैड। नाउ व्हेन वी से डाउटफुल, आप समझो बात को, वी आर नॉट येट श्योर, बराबर, वी आर नॉट येट श्योर कि हाउ मच डेटर्स वुड टर्न बैड और विल दे बी गुड, वी डोंट नो, बट इट इज व्हाट अ डाउटफुल डेट, इट इज अ डाउटफुल, करेक्ट है। सो अगेन इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, व्हाट एवर वी आर रिकॉर्डिंग हियर, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, अ सम काइंड ऑफ एन व्हाट, एस्टिमेशन, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, सम काइंड ऑफ एन एस्टिमेशन, सिंपल एग्जाम्पल। Second, when we talk about ki as per the financial reporting frameworks, we have to also record what we talk about is the contingency liabilities by way of what? A footnote. So try to understand what we record is a contingency liability, contingent liability, contingent liability. So what do we mean by the term contingent liability? It depends upon happening or non-happening of some uncertain future event is what we talk about is contingent liability. Correct, yes. So there are so many things in our financial statements which are recorded based upon what, some kind of an what, estimation, barabar. So aap samajhne ki koshish karo ki ye jo estimations hai isme problem ho sakti hai. Ab aap bologe sir isme kya problem honi hai, aap samjho iske andar management ka bias aa sakta hai, management may record it as per their own whims and wishes, उनको जो सही लगता है उसके हिसाब से वो लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो बॉस, आप समझो कि यहां पे मैनेजमेंट का बायस आ सकता है, सिंस इट इज अ एस्टिमेट, एस्टिमेशन के लिए आपको डेटा चाहिए कि एक डेटा के बेसिस पे आप एस्टिमेट कर सकते हो, दैट डेटा मे बी राइट और रॉन्ग, बराबर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एकदम जो एस्टिमेट जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये एस्टिमेट सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकते हैं, मतलब इन एस्टिमेट्स में क्या हो सकता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकती है ना, कि यहां पे आप ये जो एस्टिमेट्स आप रिकॉर्ड कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, वो एस्टिमेट्स आपके सही हो गलत हो, वी डोंट नो, बराबर के नहीं। सो बॉस, आप समझने की कोशिश करो, अगर इन एस्टिमेट्स में अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मौजूद है, तो विल इट अफेक्ट द ट्रू एंड फेयर पोजीशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? एब्सोल्युटली यस सर, विदाउट एनी डाउट। सो गोइंग बाय दिस बैकग्राउंड, आप समझने की कोशिश करो, व्हाट वी स्टार्टेड विद एसे नंबर 540 इज व्हाट, कि वी हैव टू ऑडिट
those accounting estimates, including those fair value accounting estimates and related disclosures, ki whether those estimates which are recorded into the financial statements are correct or not. वो फेयर है कि नहीं अपने को वो देखना बहुत जरूरी है एंड दैट इज व्हाट इज एसएफ 540 इज ऑल अबाउट एज टू हाउ यू आर गोइंग टू कैरी आउट दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट्स. बॉस कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? थीम समझ में आई? मैंने अभी तक मैं कुछ टेक्स्ट पढ़ा ही नहीं अभी तक स्टैंडर्ड का. आप समझिए बात को. एसएफ 540 पहले इसका ओरिजिन क्यों हुआ, दैट इज व्हाट इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. सिंपल एकदम पक्की बात. यस सर, बहुत बढ़िया. So, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं. एकदम आराम से ध्यान से मन लगा के सुनिएगा, समझिएगा, एकदम एकदम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है सबने. तो स्कोप ऑफ दिस एसे, नाउ व्हेन वी रीड यू विल ऑटोमेटिकली गेट द हैंग ऑफ इट. सो स्कोप ऑफ दिस एसे क्या कहता है, डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग व्हाट? Auditor's responsibility regarding what? Obviously, the estimates when he is conducting the audit of financial statements. So, यहाँ पे इस SA 540 में अपना पूरा का पूरा focus होगा on the accounting estimates, including fair value accounting estimates and related disclosures. So, nature of accounting estimates. चलिए अभी इसको जरा detail में पढ़ते हैं. Some financial items, financial statement items cannot be measured precisely. Some items cannot be measured precisely, but only can be what? Estimated. Doubtful debts, then we talk about this contingent liability, then we talk about is the kya bolte usko, fair market value of the stocks, correct? For this purpose, for the purpose of this essay, such financial items are referred to as accounting estimates. Ye jo financial statements items hai, ye jo financial statement ke items hai, इन आइटम्स को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. ये फाइनेंशियल आइटम्स इन दिस आर पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ डिस्कशन आर कॉल्ड एज व्हाट, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. द नेचर एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द मैनेजमेंट टू सपोर्ट द मेकिंग ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वेरीज. द रिलायबिलिटी ऑफ द नेचर एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एन एस्टिमेट वेरीज वाइडली, विच अफेक्ट्स द डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी associated with the accounting estimates. क्योंकि जो information आपको मिल रही है उस information की reliability obviously उसके basis पे आप जो estimate करते हो वो estimate सही होगा या गलत होगा, we don't know, it is what? Uncertain. The degree of estimation uncertainty affects in turn the risk of material misstatements of accounting estimates including the susceptibility to unintentional or intentional management bias. बहुत ही बढ़िया. मतलब सर अगर बॉटम लाइन देखे तो सर यही है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स को जब हम लोग एस्टिमेट करते हैं तो वो सही होंगे नहीं होंगे इसका हमें कोई गारंटी नहीं है. तो इसीलिए सर उसके वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या आ सकता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ सकता है, करेक्ट है. तो इसके लिए हमें उसका ऑडिट करना है. बेस्ट है, फर्स्ट पैराग्राफ ओवर. लॉजिक समझो, कॉन्सेप्ट समझो, नथिंग इज टू बी मग्ड अप. एकदम आराम से लॉजिक के साथ चलिए आगे. The measurement objective, मतलब क्या, इसको estimation जो करना है ना, जो estimation जो करना है, measurement objective of an accounting estimates can vary depending upon, तो ये estimation depend करता है किसके ऊपर, based on financial reporting framework, depends upon the financial item being reported, बराबर के नहीं. So, this forecast, estimate means what, forecast, or the outcome of one or more transactions, events or conditions give rise to the need for accounting estimates. For other accounting estimates, मतलब क्या क्या जरूरत है, financial reporting framework के हिसाब से आपको accounting estimate करना पड़ता है, बराबर, क्योंकि it is the requirement कि आपको दिखाने पड़ता है इसके लिए. For other accounting estimates, including what, fair value accounting estimates, जैसे आपको आपके properties जो है वो fair value पे दिखाने पड़ते हैं, करेक्ट. आपका स्टॉक्स है उसका फेयर वैल्यू अकाउंटिंग कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर फेयर वैल्यूज पे होना चाहिए. सो द मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट एंड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट द वैल्यू ऑफ करंट ट्रांजैक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द वैल्यू ऑफ करंट ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम बेस्ड ऑन द कंडीशंस प्रेवेलेंट एट द मेजरमेंट डेट सच एज एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एन एसेट और लाइबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में रिक्वायर the fair value measurement based on the assumed hypothetical current transaction between knowledgeable willing parties
sometimes referred to as marketplace participants or equivalent in the arm's length transaction. मतलब fair value मतलब दो knowledgeable parties के बीच में वो transaction हुआ है, जो सौदा हुआ है वो क्या value पे हुआ है उसके basis पे हम लोग अपने वो books पे record कर लेंगे. जैसे अगर मान लो मेरी property है, similar type की property अगर किसी और ने खरीदी बेची है तो उसका क्या भाव पे उनका सौदा हुआ है, तो वैसी चीज है. स्टॉक्स अपन क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू अपने जो क्लोजिंग स्टॉक है, फेयर मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो वो मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए अपने को ये सब काम करना पड़ता है. सो आर एस्टिमेशन रिक्वायरमेंट जो है, अपना जो एस्टिमेशन का जो रिक्वायरमेंट है, ये दो चीजों के ऊपर है. एक तो अपन बात करते हैं बेस्ड अपॉन व्हाट इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और द फेयर वैल्यू आपको जो रिकॉर्ड करनी है उसके बेसिस पे. ओके ओके चलो. So, यहां तक आपको रिक्वायरमेंट समझ में आ गई कि क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आप समझो. अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई तो स्टैंडर्ड QIA समझेगा आपको. अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, इधर बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और वी टॉक अबाउट इज द फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. इनमें अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वो बराबर से एस्टिमेट होंगे नहीं होंगे इसका हमें कोई गारंटी नहीं है. सो अब क्या कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द आउटकम ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट and the amount originally recognized, बराबर के नहीं, outcome and the amount which is originally recognized or disclosed does not necessarily represent a misstatement in the financial statements. This is particularly the case for fair value accounting estimates, as any observed outcome is invariably affected by events or conditions to the date on which the measurement and estimated. मतलब ये क्या कहते हैं, इसमें एक MCQ आपका बनता है. This difference, ये जो difference है, does not necessarily represent a misstatement, क्योंकि we are talking about fair values ना, तो fair values में या estimation में कहीं 19-20 हो सकता है, but अगर वो material है तो problem है, but difference does not necessarily mean that there is what a risk of material misstatement, because आप जो estimation करते हो, it is based upon what certain events, conditions, factors वो depend करता है, correct है? Yes. तो objective क्या है? So as SA 500 series बात करता है, we need to obtain sufficient appropriate audit evidence, बराबर That जो भी estimates आप recognize कर रहे हो, disclose कर रहे हो, वो estimates reasonable है, and the related disclosures what you are making in the financial statement, those disclosures are what adequate. तो आपका इसमें इस standard में objective क्या है कि boss ये जो accounting estimates आप record कर रहे हो वो reasonable होना चाहिए, and secondly it should be what adequate. Done, खत्म. So मुझे बताओ तीन समझ में आया आपको, क्या बात कर रहे थे अपन, क्या समझ रहे थे अपन, clear एकदम? Yes. So अब एकदम simple है. How do we obtain this sufficient appropriate audit evidence? So step by step jate hai. First we will carry out risk assessment procedure and related activities. Risk assessment procedure karne ke baad we will be able to identify the risks of material misstatement, and accordingly we will respond to the assessed risk of material misstatement. To ye jo main 4-3 baat hai, and fir uske baad we carry out what? Further substantive procedures in response to specific risk ki agar uncertainty hai, criteria barabar nahi hai measurement ka, etc. Phir disclosures se related and indicators of possible management bias ki agar wo ho to us case mein kya karna hai. And last mein management se written representation leke apne documentation kar dena hai. Standard ka overview aa gaya aapko. So chaliye aaiye risk of material misstatement karte hai ekdam mast dhyan se. Full power ke saath. So when performing, important चीज़ है ही आपके लिए highlight करूँगा, everybody needs to focus now. When performing the risk assessment procedures and related activities, to obtain understanding of the entities, आपको क्या करना है, SA-315 के हिसाब से, we have to do what? Identify and assess the risk of material misstatement through understanding the entity, its environment, including its internal control. The auditor shall obtain an understanding in the following order, To provide a basis for identification, and assessment of risk of material misstatement. For identification and assessment of risk of material misstatement. तो ये सारी बातें आपने करनी है सबसे पहले. जैसे अपने को पता है कि financial reporting framework and fair value accounting estimates के हिसाब से अपन ने क्या करना है, अपन ने accounting estimates को record करना है. तो हमें सबसे पहले उनकी requirement क्या है, वो requirement को आपने check करना है. फिर मैनेजमेंट वो ट्रांजैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करता है, दोस ट्रांजैक्शंस इवेंट्स और कंडीशन दैट मे गिव राइज टू नीड फॉर अकाउंटिंग एस्टीमेट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इन ऑब्टेनिंग दिस अंडरस्टैंडिंग द ऑडिटर शैल मेक व्हाट इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट अबाउट चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेस दैट मे गिव राइज टू द न्यू और द नीड टू रिवाइज द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग एस्टीमेट्स. देन हाउ मैनेजमेंट मेक्स द अकाउंटिंग एस्टीमेट्स,
हाउ मैनेजमेंट मेक्स द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, हाउ मैनेजमेंट मेक्स द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ठीक है, ये हुआ अपना थर्ड पॉइंट कि मैनेजमेंट किस तरीके से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स करता है यहाँ पे, तो उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, हाउ मैनेजमेंट मेक्स द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो हम जानकारी लेंगे उनके मेथड की, उस पे क्या कंट्रोल्स लगाए उन्होंने, वेदर मैनेजमेंट ने कोई एक्सपर्ट को यूज किया है क्या, क्या अजम्पशंस लगाए हैं उन्होंने इससे रिलेटेड, एंड क्या इसमें कुछ चेंज है फ्रॉम द प्रायर पीरियड, एंड वेदर एंड हाउ इफ सो हाउ मैनेजमेंट असेस द इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी के बाबा ये सही होगा नहीं होगा ऐसा। सो यहां पे आप समझिएगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहां पे, अब थोड़ा समरी बनाते हैं एसे नंबर 540। सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, इसका ऑडिट करना है, ठीक है। सो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आप समझिए, दे आर व्हाट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर। सेकंड, द डिग्री ऑफ एस्टिमेशन varies according to events, conditions, factors or may include management bias, intentionally or unintentionally. Therefore, there can be a risk of material misstatement present in the financial statements, correct? So therefore, what the auditor should do? Objective of auditor is to obtain sufficient and appropriate audit evidence that first point estimation is reasonable and second point disclosure is adequate. आई बात समझ में आपको? सो ये बात है यहां पे अपने इस स्टैंडर्ड का एक बेसिक जो थीम है, करेक्ट है। सो अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, अब आप समझिएगा यहां पे रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट। सो पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए, व्हाट वी हैव टू डू, आइडेंटिफाइंग and assessing the risk of material misstatement. अभी अपन ने पढ़ा है, सीधा बॉडी के अंदर जाना चाहिए, identifying and assessing what the risk of material misstatement. तो इसका प्रोसीजर क्या है? So take understanding in Following order. So, इस sequence में आपको ये understanding लेना है. Number one, अब आपको क्या करना है? How management identifies कि बाबा अपने को जो है ना, नहीं management identifies नहीं, पहले तो आपको देखना है step by step कि boss requirement है क्या आपको ये disclose करने का. अगर requirement ही नहीं है तो खत्म, आगे आपका कुछ standard आगे बढ़ेगा ही नहीं. Requirement आपको है क्या, ये आपको देखना है. Requirement of
एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आपको उसका देखना है एप्लीकेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. फिर उसके बाद जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है, बराबर, जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है, तो हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज दोज ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स एंड कंडीशंस दैट मे गिव राइज टू द नीड फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड. हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, इवेंट या कंडीशन. मतलब जैसे देखो ना, अगर अपना कोई कोर्ट केस चालू है तो उसमें अपनी लाइबिलिटी क्या आ सकती है, तो मैनेजमेंट उसने कैसे आइडेंटिफाई किया, या कोई ट्रांजैक्शन है जिसको अब जैसे डाउटफुल डेट का कोई ट्रांजैक्शन है, तो डेटर्स का कोई अपना सेल्स का कोई ट्रांजैक्शन है, तो उसमें अपने को डाउटफुल डेट. सो हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज द नीड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, कि मैनेजमेंट ने उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया कि हाँ भाई अपने को इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत है करके. मतलब पहले आपको कानून के हिसाब से या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से कि आपको उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत है क्या, आप बोलोगे हाँ सर है. मैनेजमेंट ने उस ट्रांजैक्शन या इवेंट को किस तरीके से खोज के निकाला वो देखिए. फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि हम क्या करेंगे, एंड दिस विल बी डन बाय इंक्वायरिंग द मैनेजमेंट ऑब्वियसली. देन हाउ मैनेजमेंट मेक्स अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन द डेटा ऑन विच दे आर बेस्ड. देन हाउ मैनेजमेंट मेक्स अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड डेटा ऑन विच इट इज मेड. तो जैसे इसके अंदर क्या कहेंगे अपन, वो डेटा क्या आ सकता है यहां पे. सो डेटा यहां पे आ सकता है क्या क्या है वो, चलिए आइए देखते हैं अपन. ठीक है, सो मैनेजमेंट ने इंक्लूडिंग हाउ डेटा ऑन विच इट इज मेड इंक्लूडिंग फर्स्ट आपकी मेथड क्या थी. एक एक पॉइंट अपन ने रीड करा हुआ है. आपकी मेथड, आपके कंट्रोल्स, आपने कोई एक्सपर्ट को यूज किया क्या, आपके मेथड, आपके कंट्रोल्स, क्या आपने कहीं किसी एक्सपर्ट्स को बुलाया है इसको क्या करते हैं उसको एस्टिमेशन के लिए. जैसे प्रॉपर्टीज का वैल्यूएशन करना है तो हम लोग वैल्यूअर्स को बुलाते हैं वैसा. फिर इनमें कहीं आपने कुछ अजम्पशंस कैरी आउट किए थे. सो अजम्पशंस एंड देन वी टॉक अबाउट इस the effect of how and what, whether and if so, how management has assessed the effect of estimation uncertainty. Effect of estimation uncertainty. Now, what is the effect of estimation uncertainty? If estimation uncertainty का मतलब क्या होता है कि जो एस्टिमेट आप करते हो वो सही होगा नहीं होगा इसका क्या गारंटी नहीं है. सो इट इज व्हाट अनसर्टन. सो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. क्लियर एकदम. द ऑडिटर फिर ये सब जो है ना, ऑडिटर क्या करेगा फिर, सिंपल, ऑडिटर शैल रिव्यू द आउटकम ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. इस सबको ऑडिटर क्या करेगा, रिव्यू करेगा, इंक्लूडिंग द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और वेयर एप्लीकेबल चेंज फ्रॉम प्रायर पीरियड. ठीक है, सो द ऑडिटर शैल रिव्यू द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और वेयर एप्लीकेबल द सब्सिक्वेंट री एस्टिमेशन फॉर द पर्पस ऑफ करंट पीरियड. The nature of the extent, the nature and the extent of the auditor's review takes account the nature of accounting estimates and whether information obtained from the review would be relevant to identifying and assessing the risk of material misstatement of accounting estimates made in the current period of financial statements. However,
रिव्यू इज नॉट इंटेंडेड टू कॉल इन टू द क्वेश्चन नॉट इंटेंडेड टू कॉल इन टू द क्वेश्चन द जजमेंट्स मेड इन द प्रायर पीरियड्स दैट वर बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एट दैट टाइम. सो ऑडिटर ने क्या करना है, लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि पिछले साल जो अपन ने एस्टिमेशन किया था उस समय पे जो इंफॉर्मेशन थी अपने पास, उस मतलब आप समझो. फोर्थ पॉइंट क्या करना है, ऑडिटर ने क्या रिव्यू करना है मैं आपको बताता हूं. फोर्थ पॉइंट में ऑडिटर ने क्या करना है, ये यहां पे ऑडिटर है, और ये उसके पास प्रायर पीरियड फाइनेंशियल्स है. अब इनके अंदर कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स किया होगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए उसने क्या करना है, करंट पीरियड के करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसमें उसने क्या करना है, इसके बेसिस पे उसने एस्टिमेशन देखना है. बेस्ड अपॉन व्हाट द करंट इंफॉर्मेशन द करंट डेटा विच इज अवेलेबल. आई बात समझ में आपको, ऐसा है ओके okay? और ये यहां पे कौन है, ये अपना ऑडिटर. फिर से एक बार पढ़ते हैं. द ऑडिटर शैल रिव्यू द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देयर सब्सिक्वेंट री एस्टिमेशन फॉर द पर्पस ऑफ करंट पीरियड. तो ये जो है ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स प्रायर पीरियड का, इसको आपने अभी क्या करना है, री एस्टिमेशन फॉर करंट पीरियड आपको करना है. आई बात समझ में आपको, ये रिव्यू करना है. The nature and extent of the auditor's review takes into account the nature of the accounting estimates and whether information obtained would be relevant. पिछले साल की information relevant है या नहीं, but यहाँ पे हम लोग इस data के ऊपर कहीं पे भी question mark create नहीं कर रहे, क्योंकि उस समय पे जो information थी वो अलग हो सकती है और अभी की information जो है वो अलग हो सकती है, ऐसी बात है. Okay? So, इसके basis पे अपन ने अभी तक क्या किया, पूरा का पूरा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लिया अपन ने. अपन ने क्या किया बच्चा, पूरा का पूरा अपन ने अंडरस्टैंडिंग किया. सो व्हाट अंडरस्टैंडिंग डिड वी टेक, सिंपली हमने उनके बिजनेस को समझा बराबर, और उसके बेसिस पे हमने क्या किया है कि हमने फॉलोइंग सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन ली. सबसे पहले कि क्या आपको रिक्वायरमेंट है क्या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को डिस्क्लोज करने के लिए, कौन से ट्रांजैक्शन इवेंट या कंडीशन में आपको अकाउंटिंग एस्टीमेट करना है, मैनेजमेंट ने उसको कैसे आइडेंटिफाई किया वो हमें देखना है. फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड फिर हम लोग बात करते हैं कि मैनेजमेंट ने एस्टीमेशन किस तरीके से किया. तो मैनेजमेंट ने एस्टीमेशन किस तरीके से किया, तो उनकी क्या मेथड रही है, क्या कंट्रोल्स उन्होंने लगाए हैं, क्या एक्सपर्ट्स उन्होंने बुलाए हैं, क्या अजम्पशंस उन्होंने लिए हैं बराबर, क्या चेंजेस इफेक्ट है क्या कुछ चेंजेस का प्रायर पीरियड का और करंट ईयर का, क्या कुछ इफेक्ट है क्या उसके ऊपर. तो ये सारी बातें अपन को ध्यान में रखना है. एंड फिर ऑडिटर ने क्या करना है, प्रीवियस पीरियड का डेटा को रिव्यू करके करंट ईयर में भी उसका एस्टिमेशन क्या है वो भी उसने एक समझ लेना है. आई बात समझ में आपको, डन. सो दिस इज व्हाट वी डू इज आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. सो ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे अपन ने सिर्फ क्या लिया, यहाँ पे अपन ने पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग किया, रिस्क क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती है उसका अंडरस्टैंडिंग लिया. In identifying and assessing the risk of material misstatement, the auditor shall evaluate the degree of estimation uncertainty. That is the risk. इससे क्या होगा? इस पूरे सिनारियो से, इस पूरे मामले से क्या होगा? B point. Auditor ने क्या करना है? Evaluate the second point. अभी आप समझो. यहां पे हमको क्या करना है बॉस, यहां पे फर्स्ट हम लोग को क्या देखना है कि द डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. इसका मतलब समझ रहे हो आप कि ये पूरा जो आपने इंफॉर्मेशन लिया इसके बेसिस पे जो एस्टिमेट आपने किया है वो सही होगा नहीं होगा, वो कितना सर्टन होगा अनसर्टन होगा, ये अपने को डिग्री आपने फाइंड आउट करना है. Because more the degree of uncertainty, what will happen, more the risk of material misstatement would be there.
सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर इन द ऑडिटर्स जजमेंट, वेदर इन द ऑडिटर्स जजमेंट एनी ऑफ दोज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैव High estimation uncertainty which gives rise to significant risk. So a degree of uncertain estimation uncertainty and in auditor's judgment whether estimation uncertainty that gives rise to risk, कि ऐसा कहीं कुछ है क्या बाबा, ये अपने को देखना है। आई बात समझ में आपको? सो अगर ऐसा है तो फिर हम लोग थर्ड पॉइंट में आते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी डू इज रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। थर्ड पॉइंट, रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इट इज व्हाट रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। चलो, सो अभी ये पेज अपने को पढ़ना है, इसमें ही एकदम दम है। So based on the assessed risk of material misstatement, जो आपने ऊपर किया उसके बेसिस पे अब आपने क्या 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 करना है, आपने ऑडिटर शैल डिटरमाइन अब फोकस करना एकदम अच्छे से। मैनेजमेंट हैज अप्रोप्रिएटली अप्लाइड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल, जो आपको रिक्वायरमेंट थी वो आपने बराबर से अप्लाई करा या नहीं करा वो आपको देखना है। अप्रोप्रिएटली अप्लाइड द रिक्वायरमेंट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की। फिर उसके बाद द मेथड्स फॉर मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर अप्रोप्रिएट एंड हैव बीन अप्लाइड कंसिस्टेंटली, क्योंकि अपन ने अंडरस्टैंडिंग में उनका मेथड भी देखा था, तो अपने को रिस्पॉन्ड ये करना है कि क्या उन्होंने मेथड भी बराबर से लगाई है क्या। अगर आपको दिखता है कि हाई डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है तो उनकी मेथड चेक करो कि क्या उन्होंने मेथड बराबर से अप्लाई करा था कि नहीं करा था बराबर। In accounting estimates or method making them from prior period or appropriate circumstances. In responding to the assessed risk of material misstatement as required by the SA, the auditor shall undertake one or more of the following, taking into the accounting estimates. The auditor shall take into one or more of the following. So, whether events occurring up to the date of auditor's report provide audit evidence regarding the accounting estimates. Events up to the date of report provide audit evidence regarding the estimate. Test how the management made the accounting estimate and the data on which it is based. इसको अभी टेस्ट करना है। पहले आपने सिर्फ आइडेंटिफाई किया था, अब उस डेटा को आपने क्या करना है, टेस्ट करना है। इन डूइंग सो आपको फिर से क्या करना है, मेथड देखना है उनके और उनके assumptions देखना है। जो कंट्रोल्स भी आपने लगाए थे, टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स एज टू हाउ द मैनेजमेंट एंड डेवलप अ पॉइंट एस्टिमेट और रेंज टू इवैल्यूएट। एक एक पॉइंट एस्टिमेट मतलब यहां तक आना चाहिए या रेंज आना चाहिए, इतना इतना होना चाहिए। फॉर दिस पर्पस द ऑडिटर व्हेन द ऑडिटर यूजेस अजम्पशंस और मेथड्स दैट डिफर फ्रॉम द मैनेजमेंट्स, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट्स अजम्पशन, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट अजम्पशंस और मेथड्स टू एस्टैब्लिश दैट ऑडिटर्स पॉइंट एस्टिमेट और रेंज टेक्स इनटू अकाउंट्स दोस रिलेवेंट वेरिएबल्स। एंड व्हेन ऑडिटर कंक्लूड्स दैट इट इज अप्रोप्रिएट टू यूज अ रेंज, The auditor shall narrow the range based on the audit evidence available. कुछ पल्ले पड़ा आपको? नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा कुछ सर। समझो बात को। इन पॉइंट्स में क्या करना है, एकदम सिंपल सी बात है बॉस। रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। सो अब आपने बस क्या करना है यहाँ पे, रिस्पॉन्ड क्या करना है कि आपने, अब आपको देखो, आपने यहां तक पूरा पूरा अंडरस्टैंडिंग लिया आपने। मैं यहाँ पे बॉक्स में डालता हूं आपको, अभी जो मैं लिखता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ले लिया सर जी? यस सर, हमने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लिया। इस अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए अब क्या हुआ, हमने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया कि वो है या नहीं है।
और उसमें वो अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए हमको पता चलेगा, एक बेसिक एक प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग एक नॉलेज आएगा अपने को कि वेदर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज देयर और नॉट। आई बात समझ में आपको? और वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब क्या होती है? सो इट इज व्हाट द एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी इज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। द डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ये बहुत मैटर करता है, डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ये बहुत मैटर करता है, आप समझिए बात को। क्योंकि अगर आपने जो अकाउंटिंग एस्टिमेट किया है वो सही है नहीं है ये हमको कैसे पता चलेगा बॉस? आई बात समझ में आपको? तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आप समझिए बात को, इसके बेसिस पे कहानी आगे बढ़ेगी। क्लियर है? एकदम परफेक्ट है। तो यहां तक एक बार जो मैंने आपको पढ़ाया है ये एक बार इसको जरा डाइजेस्ट कीजिए इसको, फिर मैं आगे का जो मैनेजमेंट क्या करता है उसको फिर अपन पढ़ते हैं। गो थ्रू कीजिए, लिखो बाद में आराम से इसको, कोई टेंशन नहीं है। एक बार जो मैंने लिखा है उसको आप गो थ्रू कीजिए, चलो फटाफट हरी आप। ओके, क्लियर है एकदम? यस सर। सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इस रिस्पॉन्स टू द असेस रिस्क के बेसिस पे अब अपने को आगे क्या काम करना है। सो इसके बेसिस पे अब एकदम अच्छे से ध्यान से मन लगा के समझिएगा बच्चा। फर्स्ट अब अपने को क्या करना है, बेस्ड ऑन दिस असेस रिस्क अब अपने को क्या चेक करना है, ऑडिटर टू इवेल्युएट। ऑडिटर ने क्या करना है, ऑडिटर शैल डिटरमाइन क्या डिटरमाइन करेगा, फर्स्ट वेदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क FRF हैज बीन properly applied। क्योंकि अपन जब स्टैंडर्ड शुरू कर रहे थे तो अपने को क्या देखना है कि रिक्वायरमेंट, अभी इससे इसलिए आपको पढ़ने का मौका दिया, ये रिक्वायरमेंट आपने बराबर से अप्लाई करा या नहीं करा ये अपने को चेक करना है। सो अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद वही चीज बराबर से हुई है क्या नहीं उसको चेक करना है भाई, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड नथिंग डिफिकल्ट एट ऑल। सो द रिक्वायरमेंट ऑफ FRF हैज बीन प्रॉपरली अप्लाइड, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, बराबर। फिर उसके बाद सेकंड, ओके तुमने यहां पे बराबर से अप्लाई किया, अब सेकंड अपने को देखना है मेथड्स यूज्ड बाय मैनेजमेंट, कि उसको अपने को रिव्यू करना है कि मेथड्स यूज्ड बाय मैनेजमेंट एंड मोर ओवर क्या वो मेथड्स आपने उन्हें भी आपने कंसिस्टेंटली अप्लाई किया है या नहीं किया, ये भी आपने देखना है कि वो मेथड्स जो प्रायर पीरियड का है और अभी जो है आपने उन मेथड्स को आप कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्योंकि लास्ट ईयर आप कुछ अलग मेथड यूज करोगे डेटर्स के डाउटफुल को इवेल्युएट करने के लिए या प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन के लिए, और इस बार अलग करोगे तो ऐसा बॉस चलेगा नहीं। आई बात समझ में आपको, राइट? एंड साथ ही साथ आपने क्या करना है, द ऑडिटर शैल अंडरटेक वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, तो और क्या एक्शंस लेगा, ऑल्सो व्हाट इज सपोज टू डू, कि सबसे पहले उसने क्या देखना है, the auditor in responding to the as required the auditor shall take one or more of the following, बराबर। तो इसमें क्या करेगा, so इसने इसके अंदर first चीज देखनी है whether all events up to date of auditor's report whether they provide evidence about estimate
मतलब अपने को ऑडिट रिपोर्ट के दिन तक क्या क्या इवेंट सर्कमस्टेंसेस कंडीशन जो हुए थे वो अपने को चेक करने हैं कि वेदर दे प्रोवाइड एन एविडेंस रिगार्डिंग व्हाट द एस्टिमेशन दैट हैज बीन मेड. उसके बाद मैनेजमेंट ने जो डेटा यूज किया है टेस्ट द डेटा एंड इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय मैनेजमेंट. आई बात समझ में आपको कि उन्होंने क्या डेटा यूज किया है वो अपने को टेस्ट करना है. सो अपन क्या देख रहे हैं कि उनके मेथड में कंसिस्टेंसी है क्या नहीं है, वो बराबर से वो डेटा जो यूज किया उसको टेस्ट करेंगे अपन. फिर उनके अजम्पशंस वो वैलिड है क्या नहीं वो अपन देखेंगे, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग लिया उसका अपन ने देखना है कि जो अजम्पशंस है वो अजम्पशंस भी कैसे होने चाहिए, मैनेजमेंट के रीजनेबल होने चाहिए गिवन द सर्कमस्टेंसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. और फिर उसके बाद यहाँ पे वो कंट्रोल्स भी लगाते हैं. सो टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स. जो आपने कंट्रोल्स भी लगाए थे ना कि बाबा एस्टिमेशन करने के लिए हम लोग बायस नहीं होंगे, हम लोग डेटा के ऊपर क्या कंट्रोल होगा, कितना डेटा आएगा अपना, तो उन सबके ऊपर आपने क्या करना है, वो डेटा के ऊपर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस आपको देखना है. फिर उसके बाद ऑडिटर ने क्या करना है, ऑडिटर टू डेवलप एक पॉइंट एस्टिमेट और या उसने क्या करना है एक रेंज ऑफ एस्टिमेशन उसने निकालना है. उसने क्या करना है एक पॉइंट एस्टिमेट निकालना है या उसने क्या करना है एक रेंज ऑफ एस्टिमेट निकालना है, रेंज ऑफ एस्टिमेट. तो इसमें क्या हो सकता है कि उसने जो एस्टिमेशन किया, अब देखो यहां पे ये मैनेजमेंट का एस्टिमेशन है और ये यहां पे ये ऑडिटर का एस्टिमेशन है. तो अब इसमें हम लोग को क्या करना है, आप समझने की कोशिश करो कि यहां पे अपन ने क्या करना है इस रेंज में. फिर आगे कहानी क्या होगी कि वेदर द ऑडिटर यूजेस द अजम्पशंस और मेथड्स दैट डिफर फ्रॉम द मैनेजमेंट, देन ऑडिटर शैल ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट्स अजम्पशंस और मेथड्स. तो इसमें क्या करना है, अगर डिफरेंस है, अगर यहां पे डिफरेंस है, सो ऑडिटर ने क्या करना है, ऑडिटर टू इवेल्युएट मैनेजमेंट ने क्या अजम्पशंस लिए हैं और मैनेजमेंट के क्या मेथड्स है, ये अपने को देखना है. ठीक है, एंड एस्टैब्लिश द ऑडिटर्स पॉइंट रेंज टू टेक इनटू अकाउंट द रिलेवेंट वेरिएबल्स टू इवेल्युएट एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस. परफेक्ट है एकदम, यस. नाउ फर्दर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, डी वाला पॉइंट. अब ये सिंपल है, फर्दर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स. ठीक है, सो फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स दैट गिव राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क, अगर सिग्निफिकेंट रिस्क गिव्स राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क इन एडिशन टू अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म टू मीट द रिक्वायरमेंट, द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द फॉलोइंग. कोई अल्टरनेटिव अजम्पशंस है क्या, आउटकम्स एंड व्हाई इट हैज बीन रिजेक्टेड देम. बराबर, अगर सिग्निफिकेंट रिस्क आपको दिखता है तो भाई कुछ अल्टरनेटिव अजम्पशंस है क्या. बराबर, वेदर सिग्निफिकेंट अजम्पशंस यूज्ड बाय द मैनेजमेंट आर रीजनेबल, वेदर रिलेवेंट टू द रीजनेबलनेस ऑफ द सिग्निफिकेंट अजम्पशंस यूज्ड बाय द मैनेजमेंट आर अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मैनेजमेंट इंटेंड टू कैरी आउट स्पेसिफिक कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड एबिलिटी डू सो, एंड इफ इन द ऑडिटर्स जजमेंट मैनेजमेंट हैज नॉट एडिक्वेटली एड्रेस द इफेक्ट्स ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ऑन द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स दैट गिव राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क, द ऑडिटर शैल इफ कंसीडर्ड नेसेसरी डेवलप अ रेंज विद व्हिच टू इवैल्यूएट द रीजनेबलनेस ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. सर क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना. वेरी गुड, सो आराम से समझो बात को. अपने को अगर यहाँ पे दिखता है फर्दर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में, अगर आपको दिखता है यहां पे कि सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो लेट्स मेक इट सिंपल. फर्स्ट पॉइंट, आपने फाइंड आउट करना है क्या कि भाई कुछ अल्टरनेटिव अजम्पशन है भी या नहीं. आपने क्या देखना है उस एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी के लिए कुछ अल्टरनेटिव अजम्पशंस है क्या आपके पास, वो आपने फाइंड आउट करना है. अगर है तो मैनेजमेंट ने उसे कंसीडर क्यों नहीं किया एंड व्हाई मैनेजमेंट रिजेक्टेड दैट अल्टरनेटिव अजम्पशंस.
बराबर कह रहे। फिर ये जो मैनेजमेंट ने जो अजम्पशंस किए हैं, क्या वो रीजनेबल है भी या नहीं, ये आपको देखना है कि जो भी अजम्पशंस यूज्ड बाय मैनेजमेंट वो रीजनेबल है क्या नहीं, आपको वो देखना है। एंड अगर ऑडिटर के जजमेंट में, लास्ट पॉइंट जो है, इन ऑडिटर्स जजमेंट, ये समरी नोट्स इसलिए बहुत काम में है, टेक्स्ट पढ़ोगे घूम जाओगे, इन ऑडिटर्स जजमेंट, अगर इन ऑडिटर्स जजमेंट मैनेजमेंट हैज नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड, बराबर, इफ मैनेजमेंट हैज नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड द इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, बराबर, तो ऑडिटर क्या करेगा, इफ कंसीडर्ड नेसेसरी, वो अपनी खुद की एक डेवलपर रेंज विद विच टू इवेल्युएट द रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अगर मैनेजमेंट ने इसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया है, ऑडिटर टू डेवलप रेंज टू इवेल्युएट द रीजनेबलनेस, ऑडिटर टू, वही वही रिपीट हो रहा है, डेवलप रेंज टू इवेल्युएट, ऑडिटर टू डेवलप रेंज टू इवेल्युएट रीजनेबलनेस। सही है, एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है, राइट, ओके। सो अब यहां पे ये सारे पॉइंट जो है ये सिंपल है एकदम, ये वाले पॉइंट आप रीड कर लेना। पहले तो ये अपन, रिकॉग्निशन फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स गिव्स राइज टू सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट, द ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेदर द फॉलोइंग आर इन अकॉर्डेंस विद द मैनेजमेंट्स डिसीजन and selected measurement basis, तो जो भी आपका criteria है वो, evaluating the reasonableness, the auditor shall evaluate the basis for based on the audit evidence whether the accounting estimates either reasonableness in context of financial reporting framework or they misstated। ये क्या है अपना conclusion है कि इसको evaluate करना है कि भाई सही है या गलत है, फिर इसको आपने disclosure देना है, the auditors shall obtain sufficient appropriate audit evidence whether disclosures in the financial statements are in accordance with the financial reporting framework, उसके हिसाब से आपने disclosures देना है, and if they give rise to significant uncertainty, the adequacy of the disclosure, indicators of possible management bias, the auditor shall review the judgments and decisions made by the management, बराबर, कि check करना है उसमें कहीं bias है क्या नहीं, obtain written representations from the management, and इस सब का आपने क्या करना है, documentation करना है। Standard on the onset, on the front may look complicated, बराबर, कुछ ऐसे अजीब लग सकता है आपको, बट अगर आप देखोगे तो 100 बात की एक बात, जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हैं, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट अगर होगी कि अपने को अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अपने को रिकॉर्ड करना है, तो मैनेजमेंट ही अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रिकॉर्ड करता है। अब इसमें क्या हो सकता है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट गलत हो सकता है, मेन वर्ड अपने को फोकस जो करना है वो क्या है, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, अगर ये एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है तो दिस विल गिव राइज टू व्हाट, अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो इसीलिए ऐसे 540 आता है और बोलता है कि भाई साहब आपने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है कि वो जो अकाउंटिंग एस्टिमेट है वो रीजनेबल है और जो उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर्स है वो एडिक्वेट करे गए हैं या नहीं। तो इससे रिलेटेड आपने स्टेप्स क्या क्या करने हैं, तो सिंपल स्टेप्स है वहां पे सर जी, तो स्टेप्स ये हुए कि आपने सबसे पहले देखना है कि रिक्वायरमेंट है क्या, अगर रिक्वायरमेंट है तो फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और फिर अपन देखते हैं कि मैनेजमेंट ने उस ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया, फिर उनका किस तरीके से एस्टिमेशन किया, उसके लिए क्या मेथड्स यूज किए, क्या एक्सपर्ट्स को बुलाया, क्या कंट्रोल्स लगाए, क्या अजम्पशंस लगाए, क्या प्रायर पीरियड में चीजें थी, तो उसको अपन ने ध्यान में रखना है। और फिर इस सबका अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद अगर ऑडिटर को लगता है कि देर इज अ सिग्निफिकेंट एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, सो दैट मीन्स देर इज व्हाट अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो इसीलिए फिर ऑडिटर ने क्या करना चाहिए, उसने आगे जाके चेकिंग करना चाहिए, यू शुड टेक व्हाट द रिस्पांस टू द असेस्ड रिस्क, और उस रिस्पांस में उसने क्या करना चाहिए कि बॉस उस रिस्पांस ने उसमें देखना चाहिए कि वो रिक्वायरमेंट बराबर से अप्लाई करी कि नहीं करी, आपने मेथड बराबर से फॉलो करी कि नहीं करी, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है ना कंट्रोल्स के, अजम्पशंस रीजनेबल है या नहीं है, तो ये सारा एक्टिविटी आपने करना है और आपने एक रेंज डेवलप करना है कि अच्छा इतना इतना होना चाहिए, मैनेजमेंट ने इतना इतना किया है, अब अगर डिफरेंस है तो उस डिफरेंस में क्या कौन से अजम्पशंस, क्या वेरिएबिलिटी, उसके हिसाब से आपने आइडेंटिफाई करना है। बट उस रेंज में भी आपको लगता है कि भाई ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, सो यू कैरी आउट विद व्हाट योर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, और जिसके अंदर आप देखो कि कोई अल्टरनेटिव अजम्पशंस आपके पास है या नहीं है, मैनेजमेंट ने उस अजम्पशंस को क्यों रिजेक्ट किया है, और जो भी मैनेजमेंट ने अजम्पशंस लिए है वो रीजनेबल है या नहीं है।
आई बात समझ में, सेम डिस्क्लोजर्स के लिए आपने ये चीजें फॉलो करनी है, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है और इस सारी बातों को डॉक्यूमेंट आपने कर देना है. अब जब इसको कंक्लूड करते हैं तो बॉस ऑब्वियसली अब ये इजी लगता है, राइट. सो दैट्स इट विद एसए नंबर 540. आई होप आपको एसए 540 पे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आया होगा. थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एसए जो अपना अभी होगा एसए 580. जल्दी मिलेंगे इस एसए से रिलेटेड भी. लव यू गाइस, थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, है ना. Do like this video. Thank you. Bye-bye.